वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित। हमारे चैनल दिल्ली डीटीसी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बस रूट 202 की। दोस्तों, ये बस आनंद विहार ISBT टर्मिनल से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाती है और इस बस की जो टाइमिंग है सुबह 6:40 से रात 9:30 तक ये बस चलाई जाती है। इस दौरान 40 स्टॉप आते हैं जो वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली DTC बसों की सभी रूटों की जानकारी आप हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। अब बात करते हैं बस रूट की। तो पहला स्टॉप आनंद विहार ISBT टर्मिनल, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है राम प्रसाद क्रॉसिंग, इसके बाद जो स्टॉप आता है राम प्रसाद मंदिर, अब जो स्टैंड आता है सूर्या नगर, अगला स्टैंड जो आता है विवेक विहार राम मंदिर, फिर जो स्टैंड आता है विवेकानंद महिला कॉलेज। दोस्तों, अब आप भी अपने मोबाइल फ़ोन पर हिम्मत प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यह ऐप दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। यह दिल्ली पुलिस का बहुत ही ऑफिशियल ऐप है, जिसके कारण यह बाकी ऐपों से बेहतर है। हिम्मत प्लस ऐप में QR कोड से भी एयरपोर्ट समेत 5 मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होने वाले टैक्सी, ऑटो रिक्शा, कैब इत्यादि को भी रजिस्टर किया गया है, जिससे उस वाहन की करंट लोकेशन, वाहन चालक का नाम, गाड़ी नंबर समेत पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिससे महिलाएं अब दिल्ली में और भी ज़्यादा सुरक्षित ट्रैवल कर सकती हैं। अगर आप दिल्ली में कहीं भी किसी भी जगह ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल के दौरान कोई भी प्रॉब्लम या संकट लगते ही आप इस ऐप में दिए गए SOS के बटन को दबाएं, ऐसा करते ही आपके नंबर की करंट लोकेशन दिल्ली पुलिस को मिल जाएगी। और दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने घरों की महिलाओं के मोबाइल फ़ोन पर इस ऐप को ज़रूर रखें, ताकि वो दिल्ली में कहीं भी किसी भी जगह ट्रैवल करती हैं तो वो सुरक्षित ट्रैवल कर सकें। दोस्तों, हिम्मत प्लस ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है, आप लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है ESI हॉस्पिटल, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है PS विवेक विहार, इसके बाद जो स्टॉप आता है सत्यम इंक्लेव झिलमिल DDA फ्लैट, फिर जो स्टॉप आता है सूरजमल विहार, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है डी ब्लॉक सूरजमल विहार, इसके बाद जो स्टॉप आता है राम विहार। दोस्तों, दिल्ली में DTC बसों में आप ऑनलाइन टिकट या पास ले सकते हैं, जिससे आपको बसों में कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। चार्टर ऐप के बारकोड दिल्ली की हर DTC बसों में उपलब्ध होते हैं, जिसे आप स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, यह ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है, आप लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो स्टैंड आता है सूर्या निकेतन, अगला स्टैंड जो आता है जागृति इंक्लेव, फिर जो स्टैंड आता है साइनी इंक्लेव, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है हर गोविंद इंक्लेव, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है गगन विहार, इसके बाद जो स्टॉप आता है जगतपुरी F ब्लॉक। दोस्तों, DTC बसों की लाइव लोकेशन अब आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल मैप के जरिए देख सकते हैं। किसी भी बस स्टॉप पर पहुंचने वाली DTC बसों को ट्रैक कर सकते हैं। इन बसों के रियल टाइम टेबल, बस रूट और बसों के नंबर भी आप गूगल मैप पर लाइव देख सकते हैं, जिससे आपको DTC बसों में ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। बसों के स्टैंडों पर भीड़ भाड़ भी कम रहेगी। दिल्ली सरकार ने DTC बसों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इन बसों में कई फीचर भी दिए हैं दोस्तों, जिससे आप इन बसों की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, फिर जो स्टॉप आता है जगतपुरिया ब्लॉक, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है राधेपुरी, इसके बाद जो स्टॉप आता है अर्जुन नगर, अब जो स्टैंड आता है हंस अपार्टमेंट, अगला स्टैंड जो आता है ईस्ट कृष्णा नगर, फिर जो स्टैंड आता है सौरन सिनेमा। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में DTC बसों में ट्रैवल करते हैं और आपके पास दिल्ली मेट्रो कार्ड है तो आप कंडक्टर से मेट्रो कार्ड स्कैन करा के भी टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट लेने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टैंड की ओर, जो आता है ईस्ट आज़ाद नगर, इसके बाद जो स्टैंड आता है झारखंडी, नेक्स्ट स्टैंड जो आता है कांति नगर स्टेशन,
फिर जो स्टॉप आता है वेलकम कॉलोनी मेट्रो स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है वेलकम कॉलोनी, इसके बाद जो स्टॉप आता है सीलमपुर मेट्रो मॉल। दोस्तों हमारे ईमेल आईडी dillidtcinfo@gmail.com पर अब आप भी अपना ओपिनियन हमें शेयर कर सकते हैं ऑडियो या वीडियो के माध्यम से, जिसे हम अपने चैनल दिल्ली डीटीसी पर दिखाएंगे। अब जो स्टैंड आता है सीलमपुर मेट्रो स्टेशन, अगला स्टैंड जो आता है धर्मपुरा, इसके बाद जो स्टैंड आता है शास्त्री पार्क। दोस्तों अब जो स्टॉप आता है श्यामगिरी मंदिर, पूर्वी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के निकट गोसाई बाबा सवाई श्यामगिरी का मठ है, जहां पर बाबा की समाधि भी है। अब इसको बाबा श्यामगिरी मठ मंदिर बोला जाता है। कश्मीरी गेट से सीलमपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर दिल्ली परिवहन निगम ने एक बस स्टॉप भी बना रखा है। दोस्तों यह दिल्ली का लगभग 700 साल पुराना मठ है। इस मठ के पुजारी को गोसाई बाबा के नाम से जाना जाता है। इस मठ की बहुत मान्यता है। फिर जो स्टॉप आता है शास्त्री पार्क दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डिपो, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो, इसके बाद जो स्टॉप आता है ISBT ब्रिज। अब जो स्टैंड आता है ISBT नित्यानंद मार्ग, अगला स्टैंड जो आता है मोरी गेट टर्मिनल, और दोस्तों लास्ट स्टॉप जो आता है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ये बस चलाई जाती है। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो बस रूट 306 पर थी, जो कि नेहरू प्लेस टर्मिनल से कल्याणपुरी टर्मिनल तक चलाई जाती है। अगर आपने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा है दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो की लिंक डाल दी है। अब बात करते हैं DTC क्लस्टर AC बसों के किराए की। DTC और क्लस्टर बसों का किराया सेम होता है। इनका किराया है ₹5, ₹10, ₹15। DTC की नॉन AC बस का पास ₹40 का बनता है, जिसे आप चार्टर ऐप के बारकोड को स्कैन करके भी ले सकते हैं। दोस्तों यह पास क्लस्टर बस और AC बसों में नहीं चलेगा। AC बसों का किराया है ₹10, ₹15, ₹20, ₹25। इस बस का डेली पास ₹50 का बनता है। इस पास को भी आप चार्टर ऐप के जरिए ले सकते हैं, जो कि DTC की नॉन AC बस, क्लस्टर बस और AC बसों में चलेगा। दोस्तों दिल्ली में कहीं भी किसी भी जगह अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो सेफ और सुरक्षित ट्रैवल करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगली वीडियो आपको DTC बसों के जिन भी नंबरों पर चाहिए हो, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अन्य लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो में सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।